देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% तक बढ़ा दिया है। भू कानून पर भी फैसला हुआ है। नजूल भूमि पर पट्टाधारकों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया और लोहाघाट को भी नगर पंचायत से नगर पालिका बना दिया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक हुई आज, जो कैबिनेट बैठक में तमाम बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है धामी सरकार ने। सबसे अहम चीज कि कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया है। भू कानून की बात करें तो उस पर भी फैसला हुआ है। नजूल भूमि पर पट्टाधारकों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बना दिया गया है, यह भी एक अहम जानकारी आपको दे दें। साथ ही साथ में लोहाघाट को भी नगर पंचायत से नगर पालिका बना दिया गया है। ये तमाम जो फैसले हुए वही मैं बता रहा हूं आपको। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया है। भू कानून पर भी फैसला हुआ है। नजूल भूमि पर पट्टाधारकों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया है। लोहाघाट को भी नगर पंचायत से नगर पालिका बना दिया गया है। ये ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या कैबिनेट में अहम फैसले हुए हैं। भू कानून पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। राज्य कर्मचारियों के लिए उनके हित में भारत सरकार की, जिस तरह भारत सरकार ने महंगाई भत्ते को 11% बढ़ाने का निर्णय लिया था, राज्य मंत्रिमंडल ने अपने राज्य के कर्मचारियों को भी, जो अभी तक कुल डीए 17% था, उसको बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया। संदीप नेगी हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं हमसे। संदीप, देखिए बड़ी बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं इस कैबिनेट की बैठक में। 11% महंगाई भत्ता बढ़ाना हो, भू कानून पर भी फैसला हो गया और कई सारी नगर पालिकाओं को नगर निगम बना दिया गया। चुनाव को देखते हुए ये बैठक बहुत ज्यादा अहम थी और मुझे लगता है कि उस तरफ बढ़ती भी है ये कैबिनेट बैठक। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि मैं चुनाव में 3 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो आज जो पुष्कर धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी, ये काफी कई महीनों में अहम रही है। आपको टोटल आपको बता दूं कि 29 मामले कैबिनेट में आए जिन पर चर्चा हुई है। 3 मामले स्थगित भी किए गए हैं और 2 प्रकरण पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 11% महंगाई भत्ते को आज कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों की महंगाई जो भत्ता था जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी, उस पर मंजूरी दी गई है। यानी कि अब 28% जो महंगाई भत्ता है वो अब कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि पूरे मामले पर अगर मैं बात करूं तो महंगाई भत्ते के 11% करने के फैसले से लगभग 1800 करोड़ रुपए का जो सालाना भार है वो सरकार पर पड़ने वाला है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करूं तो जिस तरह से लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे थे, उसके तो कर्मचारियों के लिए ये बड़ी बहुत बड़ी वाली सौगात है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कई जगहों पर जैसे कि श्रीनगर नगर पालिका थी तो उसको नगर निगम बना दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, अगर उत्तराखंड जो राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला ये लिया है कि जो भूमि है उसको लेकर बलिया विभिन्न पट्टों को लेकर अब जो पट्टा है वो आवंटन शुरू होगा। इसके लिए इसके अलावा जो पुराने पट्टों को लेकर फ्री होल्ड करने का भी जो फैसला है वो सरकार ने लिया है। बिल्कुल। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में जो विश्व बैंक जो स्पॉन्सर्ड जो शिक्षक काम कर रहे थे उन अध्यापकों की सैलरी अब राज्य सरकार देगी। इसके अलावा जो पेट्रोल पंपों को जो खोलने की जो मानक थी उसमें भी कहीं ना कहीं ढील दी गई है। कह सकते हैं कि इस बार महज 3 महीने का जो चुनावी समय है, लेकिन उससे पहले सरकार ने कई ऐसी अहम चीजों पर मुहर लगाई है जिससे कि राज्य की जनता भी खुश रहे और कर्मचारी भी खुश रहे। तो ये अपने आप में ये काफी जो अहम कैबिनेट इस बार की रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है विशेष तौर पर चुनाव के मद्देनजर। बताया जा रहा था, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि यह बैठक बहुत ज्यादा अहम थी और कहीं ना कहीं इस बैठक में ये तमाम चीजें भी देखने को मिली हैं। बढ़ते आगे, बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के हाउसफुल वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के भीतर बीजेपी को पता चल जाएगा कि उनके यहां कितना हाउसफुल है। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की नाक तो रगड़ते रगड़ते घायल हो चुकी है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बड़ा बयान देकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है।
अनिल बलूनी का कहना है कि हर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने का इच्छुक है, लेकिन हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। शुक्रवार को मीडिया पाठशाला कार्यक्रम में अनिल बलूनी प्रदेश बीजेपी की मीडिया टीम को आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के टिप्स देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके इर्द गिर्द एक दो लोगों को छोड़कर हर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने का इच्छुक है। आपको बता दें कि अनिल बलूनी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए उनका ये बयान फिर से मुसीबत बनने वाला है। कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललचाई थे। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है, हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नजदीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। हालांकि अनिल बलूनी के हाउसफुल वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गोदियाल ने कहा है कि 15 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा हाउसफुल है और कौन सा खाली। वो इस बात का खुलासा करें कि हाउसफुल का बोर्ड उन्हें किस नेता के लिए लगाना पड़ा। मैंने तो सुना कि जिन नेताओं को अभी उन्होंने शामिल किया है उनकी देहरी पर पिछले 2 साल से नाक रगड़ते नाक भी घायल हो गई है, और अब कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ये बड़ी बातें करने के लिए प्रख्यात हैं, बड़ी बड़ी बातें करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं, असलियत ये है। लेकिन इस 15 दिन का समय जाने दीजिए, इस 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उनके यहाँ कितना हाउसफुल है और उनका हाउस कितना खाली हो रहा है, ये 15 दिन के बाद पता चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बयान देते हुए सीधे तौर पर उत्तराखंड की राजनीति गरमा दी है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस से जितने भी नेता अब भाजपा में आने चाहते हैं उनके लिए अब यहाँ जगह नहीं है और भाजपा का हाउसफुल हो चुका है। लिहाजा कांग्रेस ने भी कटाक्ष करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ये सब पता 15 दिनों के अंदर ही चल जाएगा कि भाजपा का हाउसफुल है या फिर खाली है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ मैं संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के चलते देहरादून में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है पार्टी का पक्ष सही तरह से जनता के बीच में लाने के लिए। इसी को देखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया के प्रभारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो सही प्रकार से लोगों के बीच में पार्टी का पक्ष जाए, सरकार का पक्ष जाए, उसके लिए लगातार समय समय पर इस प्रकार की वर्कशॉप होती रहती है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी और प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं जो लगातार इस कार्यशाला में भाग लेंगे। और जो पार्टी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे चुनाव का, मैंने कहा था, एक रोड मैप का हिस्सा है। इसमें हमने सोशल मीडिया और आईटी की कार्यशाला पिछले दिनों की थी, अब पूरी मीडिया की कार्यशाला है हमारी। और परसों यानी 26-27 में यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा है, 29 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्चुअल सभी शक्ति केंद्रों पर जुड़ेंगे। इसी प्रकार से जो अन्य हमारे कार्यक्रम हैं वो इस महीने के रहेंगे। और कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से नीचे तक उसमें काम करने वाला। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता मीमांस आर्या ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार होने के बाद डबल इंजन फेल हो गई है। वहीं उन्होंने कुमाऊं में हुई कांग्रेस की परिवर्तन रैली को सफल बताया और कहा कि बीजेपी ने राज्य में अपने सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया, जिसके चलते सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे बड़े मुद्दे बन गए। समस्त संघ जो कांग्रेस के हैं उनके द्वारा जो सरकार की विफलताएं हैं,
ये हम सभी जानते हैं कि सरकार पूरी तरह डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, क्योंकि जो तीन मुख्यमंत्री इन्होंने बदले हैं ये सबसे बड़ा उदाहरण है हम सभी के सामने कि किस तरह से सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी काम ना करते हुए 5 साल बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया है। उसके तहत हम वो जो मुद्दे हैं जनता के सामने रख रहे हैं। हमारी अभी आप सभी जानते हैं परिवर्तन यात्रा हुई, उसमें कितना बड़ा जनाधार और कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग हम सभी के साथ थे, लोगों ने हमारा साथ दिया और निश्चित रूप से पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि अब विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में बारिश जारी है। बारिश के साथ ही धाम की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। धाम में लगातार हो रही बारिश के कारण यहां चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। धाम की चोटियों पर सीजन की तीसरी बर्फबारी है। बर्फबारी और बारिश के बाद धाम में ठंड बढ़ गई है। ठंड और बर्फबारी के बीच यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक 3,642 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार का मंदिर श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। बारिश में भी भक्त बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में जुट रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि धाम में यात्रियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। तो केदारनाथ धाम में बिना ई पास के यात्रा करने वाले यात्रियों पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है और ई पास नहीं होने पर यात्रियों को बेरंग ही वापस भी लौटना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों में मायूसी भी देखने को मिल रही है। वहीं चेकिंग में अभी तक 684 यात्रियों को लौटा दिया गया है, जिनमें गलत ई पास वाले 35 यात्री भी शामिल हैं। लगभग 719 तीर्थ यात्रियों को अलग अलग बैरियर से वापस लौटाया गया है। 4 दिन हो गए हमें चलते हुए, उसके बावजूद भी हमें यहाँ दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं है हमारे पास, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बोले 1 महीने के लिए होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो या तो फर्स्ट में रोकिए आप, अभी फर्स्ट में नहीं रोकते यहाँ से भी जाने दीजिए। 4 दिन जब माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि पर डे 800 पीपल को केदारनाथ जी के दर्शन के लिए भेजना है, ठीक है, एक्सेप्ट इट, बट जो 800 लोग घर बैठे बैठे बुक करवाते हैं अपनी यात्रा, वो 800 लोग में से 400 या 500 लोग भी आते नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हमें प्रशासन ने बताया कि वहाँ 800 लोग पूरे नहीं आते, कम से कम 400 या 500 लोग आते हैं, और दूसरे जो 300-400 लोग हैं वैसे ही बुकिंग करवा के अपने घर पे बैठ जाते हैं। और जिसने जो वाकई केदारनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो दर्शन नहीं कर पाते। डोईवाला के बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा भुनियावाल के राजू नगर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां कुपोषण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लाभार्थियों को पोषण की पूरी जानकारी दी गई। साथ ही परियोजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में कुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण से संबंधित अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में कुपोषित और किशोरियों की स्वास्थ्य जाँच की गई, साथ ही उन्हें पोषण बैग और स्वच्छता किट भी बांटी गई। जो है बाल विकास परियोजना डोईवाला के अंतर्गत में अंजुल बैलगढ़ हमारा जो है, जैसे कि ये पूरा माह 1 माह से 30 तारीख तक जो है पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। हमने जो है घरेलू खाद्यान्नों से जो हमारे उत्पाद होते हैं उसी के द्वारा जो है सही पोषण की जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुँच सके, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा चतुर्थ सप्ताह है हमने, जिसके अंतर्गत जो है कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनको संदर्भित करना, उनकी पहचान करना है। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो कुपोषित बच्चे हैं ये उनका स्वास्थ्य जांच करें। हम इनको जो जानकारी देना चाह रहे हैं वो हम देना चाह रहे हैं पोषण माह के ऊपर। पोषण माह में 4 तरीके की चीज़ें हैं कि उसमें कुपोषण है या अनीमिया को कैसे बचाना है वो चीज़ है, घर की साफ़ सफाई, खुद की साफ सफाई कैसे रखनी है वो चीज़ है, और उसमें ये है कि अगर किसी को पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए जो फ्री दवाई मिलती है उसके बारे में सबको जानकारी देनी है। और ये बताना चाह रहे हैं हम कि जो बच्चों के शुरू के 1000 दिन होते हैं वो कितने कितने ज़रूरी होते हैं उनकी पोषण। उधर काशीपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसको लेकर जहां क्षेत्र के नशा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस द्वारा लगातार की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से लोगों ने कुछ राहत महसूस की है। वहीं बांस
फोड़ान चौक इंचार्ज रविंद्र विष्ट ने बीती रात नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और गुड्डू नामक नशा माफिया को लगभग 13 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी बीसी जोशी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान लगातार यूं ही जारी रहेगा।